आज मैं यहाँ योम आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के मुतालिक बोलने जा रही हूँ। सामने क्या, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ। देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस देश को चलाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए दस्तूर की ज़रूरत थी, आइन की ज़रूरत थी, जिसके तहत ये मुल्क सही तरीके से चल पाए, जिसकी वजह से निचले तबका के लोगों को भी बराबर के हकूक मिल सके। जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि जब कोई स्कूल, कोई तंजीम या कोई इदारा हो, जब हम उस चीज को चलाते हैं तो किसी निजाम की जरूरत होती है, किसी दस्तूर की जरूरत पड़ती है, किसी आइन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो स्कूल, वो इदारा, वो तंजीम किसी तरीके से चल पाए। तो इतने बड़े मुल्क को चलाने के लिए एक दस्तूर की जरूरत थी, एक आइन की जरूरत थी, जिसकी बिना पर तमाम लोगों को बराबरी के हकूक मिल सके और फिर ये देश आगे बढ़े और देश को चलाया जा सके। आईने हिंद के लिए जिस शख्स को मुंतखब किया गया था चेयरमैन के लिए, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनके साथ कमेटी के तमाम मेंबर थे जिन्होंने इस मुल्क के हालात को देखकर ये कानून बनाया। सामने इकराम, हमारे मुल्क का कानून बहुत तवील है, ये कमेटी के तमाम मेंबरों ने निहायत ही सोच समझ कर मिलकर बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कवानीन बैरूनी ममालिक से लिए गए थे, जैसे कि अदलिया की आजादी अमेरिका से लिया गया है, सदर जमहूरिया का इंतखाब किस तरीके से किया जाए ये आयरलैंड से लिया गया है। इसी की वजह से हिंदुस्तान के आइन को अंग्रेजी में बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि कवानीन किताबों तक महदूद ना रहे, बल्कि हमारे दिलों में भी हो, जिससे हमारे मुल्क में अमन सुकून, आपसी भाईचारा रहे और मुल्क आगे बढ़े और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। और आखिर में दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान में जो जोड़कर सबको रखे वो संविधान है। बहुत बहुत